और खबरों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जैक की, और जैक की इसलिए क्योंकि लगातार ये सवाल अभिभावकों के मन में था और हजारों छात्रों के मन में था कि आखिर जैक क्या फैसला लेने वाला है यहां पर परीक्षा को लेकर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्रों अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर के 7,62,000 छात्र को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा ये फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए CBSE और ICSE समेत कई राज्य ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में भी परीक्षाएं रद्द होंगी, लेकिन इस संबंध में कोई घोषणा नहीं होने के कारण छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई राजनीतिक दलों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी और 4,32,000 छात्रों को मैट्रिक और 3,31,000 छात्रों को इंटर की परीक्षा देनी थी। ये बड़ी खबर, जैक ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है और एक जो असमंजस की स्थिति थी वो अब दूर हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट भी किया है इसे लेकर और ये कहा है कि जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना काल में जो हालात उपजे थे उसे देखते हुए उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हालांकि ये भी अब सवाल है कि अगर इन बच्चों को प्रमोट भी किया जाएगा तो वो क्राइटेरिया क्या होगा, किस आधार पर इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है। इस पर मीटिंग बुलाई गई है, उसमें तय किया जाएगा कि किस आधार पर इन बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा। जैक बोर्ड का इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण इससे पहले की जो परीक्षाएं, दो परीक्षाएं हुई थी उसके आधार पर ये तय हो सकेगा। ने यह फैसला लिया है। बारहवीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए बहुत दिनों से असमंजस की यह स्थिति थी कि सीबीएसई आईसीएसई के बाद अब जैक बोर्ड का क्या रवैया होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, और लगातार ये सवाल भी कर रहे थे अभिभावक और छात्र कि क्या जैक यहां पर परीक्षाएं रद्द करेगा या फिर पोस्टपोन होगी ये परीक्षा। तो ये तमाम सवाल, ये तमाम कयास जो है, इन कयासों पर अब विराम लग चुका है। यहां भी परीक्षा रद्द कर दी गई है कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे भारत की जो स्थिति रही थी और कई राज्यों ने पहले ही जो स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो कई अधिकांश राज्यों ने रद्द कर दी है, और उसके बाद सीबीएसई भी परीक्षा जब पूरी तरह से घोषणा उन्होंने की कि अब परीक्षा रद्द होती है और इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। अब झारखंड की बारी है। झारखंड के जो अभिभावक थे, जो विद्यार्थी थे, वो पेशोपेश में रह रहे थे कि क्या होगा। अल्टीमेट कल मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि परीक्षा रद्द की जाती है। स्थिति कुछ विपरीत जरूर है, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों को परीक्षा में शामिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, और जिस तरह से तीसरी लहर की भी लगातार बातें हो रही हैं, तो जो फैसला लिया गया है
वो समय के अनुसार स्वागत योग्य कहा जा सकता है। और अब है कि अब एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि रिजल्ट किस आधार पे दिया जा सकता है, तो उसके कई मापदंड हो सकते हैं। एक तो जो 11वीं की जो परीक्षा का रिजल्ट है उसका एक आधार वो बनाया जा सकता है, और दूसरी एक बात है जो इंटरनल एग्जाम अभी हो रहे थे 12 के फाइनल एग्जाम के पहले, वो एक आधार हो सकता है। तो हमें लगता है कि 11वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं स्कूल ने पहले ली है उसको आधार बनाते हुए रिजल्ट दिया जा सकता है, ये मापदंड हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी आधार हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो यही दो जो प्रमुख बिंदु है इसी नंबर के आधार पे रिजल्ट जारी हो सकता है। और अब रहा सबसे बड़ी बात कि जो 12 के फाइनल एग्ज़ाम के पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, और उसमें हमें लगता है कि सभी जो विद्यार्थी हैं 10th के या 12th के सभी शामिल हुए हैं, तो उसी आधार पे नंबर दिया जा सकता है। लेकिन ये हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि ये आधार हो सकता है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो सकता है कोई और विधि अपनाए, कोई और चीज़ों को सोचे, उसके आधार पे रिजल्ट देगा। 10वीं और 12वीं में जो लगभग जो विद्यार्थी है 7 लाख से ऊपर है, तो और ये 10वीं में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है, और 12वीं की परीक्षा में 3,21,000 के करीब विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो भले परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो जी, लेकिन जो तेज विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक चिंता की बात होगी, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम यदि होते तो कई विद्यार्थी जो हैं टॉपर होते, स्टेट टॉपर होते, अच्छे नंबर लाते, लेकिन अब जो मापदंड है वो पूरी तरह से 11 और इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पे होगा। ये हमने बात की 12 की, अब 10वीं का जो रिजल्ट है वो उसका आधार क्या हो सकता है। तो 10वीं का जो रिजल्ट है उसका आधार 9वीं का जो फाइनल एग्ज़ाम है और बाकी जो इंटरनल एग्ज़ाम जो हुए हैं, क्योंकि देखिए ये पूरे कोरोना के संक्रमण काल में विद्यार्थी जो है स्कूल नहीं आ पाए थे, और तमाम जो चीज़ें हैं ऑनलाइन संचालित हो रही थी। बीच में कुछ एक दो महीने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पहुँचे थे स्कूल में, लेकिन वो रेशियो नहीं था, क्योंकि अलग अलग समय में बच्चों को बुलाया गया था। तो उन बच्चों को जो 9वीं में 9वीं का जो रिजल्ट है और 10वीं में जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं इन्हीं एग्ज़ाम के आधार पे रिजल्ट मतलब जैक बोर्ड जो है वो जारी कर सकता है। तो अब देखना ये होगा कि अब रिजल्ट कब जारी होता है, क्योंकि देखिए अब ये असेसमेंट करना होगा, अब ये असेसमेंट बहुत अहम होगा अंजनी, कि किस बेसिस पे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, और दिलीप भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। धनबाद का रुख कर लेते हैं पहले। दिलीप, देखिए बहुत दिनों से ये इंतजार हो रहा था, बच्चे और अभिभावक इस असमंजस में थे, कंफ्यूजन था कि सरकार यहाँ क्या फैसला लेगी। अब देखिए परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन अब ये सवाल होगा कि परिणाम कैसे जारी किया जाएगा, इसका असेसमेंट कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। अब ये चीजें भी छात्रों को थोड़ा सा परेशान करेगी कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या तैयार किया जाएगा, किस बेसिस पे आप छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की, 12वीं के रिजल्ट की बात हो। देखिए बिल्कुल, जब भी कोई छात्र छात्राएं मेहनत करते और पढ़ाई करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ज़िले का टॉपर बने, राज्य का टॉपर बने, और परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो जितना ज़्यादा परसेंटेज लाएंगे उनकी प्रतिष्ठा उतनी बढ़ेगी, और घर वाले, मोहल्ले वाले, आसपास के लोग उनकी तारीफ करेंगे, इस तरह से वो मेहनत करते। और ऐसे में अचानक से परीक्षा रद्द कर देने की घोषणा करने से जो वैसे छात्र हैं जो पढ़ने में थोड़े अच्छे हैं उनके सामने निराशा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि कल रात में जब जैसे ही घोषणा हुई तो कुछ छात्रों से बातचीत भी हुई थी, वो कह रहे थे ये सही निर्णय नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने निर्णय लिया, उनके निर्णय पे हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ छात्र इस बात को जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कम से कम एक मापदंड ऐसे अपनाने चाहिए थे, ऑनलाइन जैसे स्कूल में क्लासेस शुरू किए झारखंड सरकार ने, उस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम ही ले लेते, पैटर्न कम कर देते, क्वेश्चंस कम कर देते,
लेकिन एग्जाम उस तरीके से लेने चाहिए थे। अगर उस तरीके से एग्जाम लेते तो जाहिर सी बात है जो थोड़े टैलेंटेड बच्चे हैं या जो पढ़ने में हैं अच्छे हैं उनके सामने अच्छी स्थिति होती, क्योंकि अब एक माप किस तरह से मापदंड सरकार अपनाएगी उस मापदंड के अनुसार जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर के ही कुछ छात्र सवाल उठा रहे हैं, आखिर मापदंड क्या होगा, किस तरह से वो टॉपर निश्चित करेंगे, किस तरह से मार्किंग देंगे, क्या एवरेज मार्किंग देंगे। सबकी इच्छा होती है कि वो अच्छे परसेंटेज लाए, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा करके एडमिशन ले। इस कंडीशन में सरकार किस तरह से फैसले लेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्रों के अंदर थोड़ी निराशा है। हाँ, निराशा इस बात को लेकर के भी है कि सही समय पर एग्जाम नहीं हुए कोरोना के कारण और पढ़ाई भी बाधित हुई, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के भी कोरोना काल में लोग सराहना कर रहे हैं, लेकिन पहल कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अब इस बात का भी इंतजार होगा कि ये कौन सा ग्राउंड तैयार किया जाएगा जिसके बेसिस पे छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। प्रभात, देखिए ये बहुत सही एक जो बात कही उन्होंने दिलीप ने कि कुछ ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते थे कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स लेकर अगर उन्हें प्रमोशन दिया जाता तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता। और इसके लिए देखिए जो डेटा है वो तकरीबन 7.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा आवेदन भी दिया था कि परीक्षा ली जाए, परीक्षा में वो शामिल होंगे, लेकिन जो पूरा सर्कमस्टांसेस देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि अब ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। अब ये ग्राउंड तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि आखिर किस ग्राउंड पे बच्चों को प्रमोट किया जाए, जो बच्चे अच्छा करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर चुके थे या फिर जिन बच्चों को प्रमोट करना, तो ये एक क्राइटेरिया तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा सरकार को। बिल्कुल आरती, देखिए सही बात है कि जो झारखंड का जो माध्यमिक बोर्ड का जो बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि किस आधार, कैसे आधार तय करेंगे कि जो स्टूडेंट जो बढ़ने में बहुत तेज थे या मीडियम थे या थोड़ा कमजोर थे उनके कैसे उसको तय करके ये सारी कवायद की जाएगी। चूंकि ये बताया जा रहा है कि जो 8वीं 9वीं और 11वीं की जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी उसके आधार पर ये नंबर दिए जा सकते हैं, ये अभी कयास लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जैक बोर्ड है उसे बहुत टेढ़ी खीढ़ी साबित होगा। जैसे दिलीप ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे उस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने हैं निश्चित है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए और आगे उनको हायर एजुकेशन की जरूरत होगी। लेकिन ये सारी प्रक्रिया एक तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों की जानें बचाना आरती, क्योंकि जिस तरीके से कोविड ने पूरे कहर बरपाया पूरे भारत में या साथ ही झारखंड में, पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन जब बैठकें की थी राज्य के मुख्यमंत्रियों से राय मांगा था तो साफ ये राय मुख्यमंत्रियों ने दिया था कि क्योंकि ये पैंडेमिक के दौर में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तनाव में गुजर रहे थे, गार्जियन तनाव में गुजर रहे थे क्योंकि एग्जाम कैसे लिए जाएंगे, क्या एग्जाम में होगा या नहीं होगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन कल देर रात जब राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे रद्द करने की घोषणा की, कई राज्यों ने भी इससे पहले जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, इन कई राज्यों ने जो ICSE है, CBSE है, 10वीं या 12वीं की जो माध्यमिक विद्यालय बोर्ड की है वो सारे परीक्षाएं को तो रद्द कर दिया, लेकिन झारखंड भी क्या। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैक बोर्ड को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि कैसे वो तैयार करेंगे मेरिट लिस्ट, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं निश्चित उसको एक एवरेज मार्क्स दिया जाएगा, मीडियम वर्ग के जो छात्र है उनको मीडियम मार्क्स दिया जाएगा, जो कमजोर है उसको क्या आधार रहेगा, ये चेक बोर्ड के लिए बहुत थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले उनको थोड़ी सी मायूसी जरूर लगे कि नहीं वो हमने तैयारी कर रखी थी कि हम अच्छे नंबर लाएंगे, तो अच्छे नंबर लाएंगे तो निश्चित है कि हमें हायर एजुकेशन के लिए हमें दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना होगा, चाहे अपने कैरियर संवारने के लिए, तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो जैक बोर्ड को आने वाले दिनों में करना होगा। लेकिन राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा हो कि हमें पहले लोगों की सुरक्षा करना है, छात्र के ठीक है कोई बात नहीं, एक साल अगर और हम, क्योंकि पिछले अगर 2020-2021 अगर हम कहें तो हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, एक साल अगर और भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले जान बचानी जरूरी है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया और आने वाले दिनों में थोड़ी सी जैक बोर्ड को यह मापदंड तय करना होगा, या फिर ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम भी लिया जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि 7.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम ऑनलाइन कैसे लिया जाए, कितने शिक्षक बैठेंगे ऑनलाइन में, कैसे एग्जाम लिया जाए, क्योंकि एक एक लोग को अगर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन अगर परीक्षाएं ली जाए तो काफी टेढ़ी खीढ़ साबित होगी। तो ये सारी चीजें जरूर जैक बोर्ड इन सारी बातों को ध्यान दे रहा होगा कि किस तरीके से हमें
मापदंड तय करना है, क्या नंबर तय करना है जी, जैसे बच्चों को दिया जा सकते हैं। निश्चित है जो सातवीं आठवीं क्लास में स्कूल के जो बच्चे टॉपर होंगे उसके आधार तो जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं निश्चित है सातवीं आठवीं में अच्छे नंबर लाए होंगे, जो कमजोर बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें कि आने वाले दिनों में जैक के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होगा कि किस तरीके से मापदंड तय करके बच्चों को बिल्कुल ये टेढ़ी खीर होगी। बिल्कुल अब ये असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अंजनी, टेंथ के बच्चों के लिए अगर टेंथ के बच्चों को प्रमोट किया जाता है वो इंटरनल असेसमेंट होगा, वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन जब ट्वेल्थ की बात आती है, उसके बाद जब हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अगर बाहर जाएंगे, उस वक्त जब वहां पर असेसमेंट होगी और उसके लिए ये दिक्कतें वहां के लिए शुरू होती हैं कि जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनको प्रमोट अगर किया जा सकता है तो उनके लिए क्या ग्राउंड सरकार तैयार करेगी, क्या क्राइटेरिया देगी, क्योंकि उसके बाद हायर एजुकेशन की बारी आती है और इसे ऐसे ही यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। उसके लिए एक कंप्लीट एक बैकग्राउंड तैयार करना होगा, एक क्राइटेरिया रेडी करनी होगी सरकार को, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो आगे। हाँ देखिए, आपने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि 12 के बच्चे बाद में हायर एजुकेशन में जाते हैं, कोई डॉक्टरी में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, तो अब देखिए अब ये सरकार का भी दायित्व होता है आरती कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं जिसे बहुत से लोग दिल्ली माइग्रेट करते हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स हो उस पे बहुत हाई कट ऑफ मार्क्स नहीं रखा जाए। ये ऐसे विपरीत समय में 90-95% जो कट ऑफ मार्क्स रखा जाता है, केंद्र सरकार को मतलब मानव संसाधन मंत्री जो है उनको सभी विश्वविद्यालयों में कॉलेजों को एक निर्देश देना होगा कि कट ऑफ मार्क्स इस बार ऐसा नहीं रखा जाए। क्योंकि देखिए वैसे भी बच्चे हैं जो इंटरनल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए हैं, कई बच्चे बीमार भी रहे थे, तो वैसे बच्चों की भी संख्या बहुत है जो इंटरनल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आखिर रिजल्ट का आधार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये CBSE के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अभी तो देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है सभी स्कूलों से जो है जो 10वीं का रिजल्ट जारी होगा तो वो 9वीं और 10वीं का जो इंटरनल एग्जाम के जो रिजल्ट्स होंगे उसके पूरे मार्क्स जो मार्क्स रोल होगा वो सब स्कूलों से मंगाया जाएगा, तो एक लंबा समय भी लगेगा और एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जो दाखिले की जो प्रक्रिया होगी उसमें हमें लगता है कि सभी कॉलेजों को कुछ एक मापदंड जरूर तय करना होगा। बिल्कुल मापदंड तय करना होगा अंजनी, और ये मापदंड तय करने के लिए जो वक्त रखा गया है, दिलीप आपसे मेरा ये सवाल होगा कि ये मापदंड तय करने का जो समय रखा गया, पहली बात तो ये कि शायद जैक ने ये फैसला लेने में थोड़ी सी देरी की है, क्योंकि देखिए अब जब रिजल्ट आने की बारी हो रही है तो शायद ये अगस्त के अंत आखिर महीने के आखिर तक ये रिजल्ट ये असेसमेंट दिया जा सके, ये रिजल्ट दिया जा सके। ऐसे में जब बच्चे बाहर के लिए अप्लाई करेंगे पढ़ाई के लिए वहां पर उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं ये इस देरी की वजह से, क्योंकि अभी असेसमेंट शुरू भी नहीं हुआ। असेसमेंट शुरू होगा उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद बच्चे बाहर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए थोड़ी सी चूक हुई है जैक से और थोड़ा देर भी हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने भी इस खबर को दिखाया था कि जैक शायद परीक्षा रद्द कर सकता है और कल ये घोषणा हुई कि परीक्षा रद्द हो गई। आखिर पहले से जब कयास लगाए जा रहे थे, कोरोना संक्रमण का काल है, जब हम सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन कर रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं, घर से निकलने पे पाबंदी है, तो ऐसे में पहल पहले से होनी चाहिए थी कि इन छात्रों को लेकर के जो विचार होने चाहिए थे, जो सोच होने चाहिए थी कि पहले से ही परीक्षा रद्द होने की संभावना थी तो पहले रद्द करना चाहिए था, क्योंकि बहुत कम समय होता है जब आप इसको असेसमेंट करेंगे, आप रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि छात्र पहले से प्लान कर रहे होते हैं कि इस महीने अगर एग्जाम देंगे तो वो अगले महीने से वो प्रिपरेशन करेंगे, बाहर जाकर के पढ़ाई करेंगे या अपने होम टाउन में पढ़ाई करेंगे, किस स्थिति की तैयारी करेंगे, तो ऐसे में 2 से 2.5 महीने तो पहले ही निकल गए उनका सोचते सोचते कोरोना काल में क्या होगा। अब फिर से असेसमेंट की बात की जा रही है तो किस तरीके से असेसमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, ये स्थिति छात्रों के लिए चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि वो बाहर जाने की सोच रहे, कोरोना संक्रमण का काल भी अब खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि संक्रमण में गिरावट आ रही है, तो ऐसे में उनके सामने एक बेहतर भविष्य को लेकर के चिंता है कि अब सरकार कैसे निर्णय लेगी, किस तरह से उन्हें असेसमेंट करके पास करेगी, किस तरह से परसेंटेज देंगे, इसको लेकर के अगर पहले से पहल की जाती है और
तो आने वाले समय में जो अगस्त की बात हो रही है तो शायद जुलाई तक या फिर जून के एंड तक रिजल्ट जारी कर दिए जाते, चाहे सरकार जिस तरीके से जारी करती। जी चलिए प्रभात, देखिए ये असेसमेंट अब किस ग्राउंड पे होगा? पहले से ये कंफ्यूजन था कि एग्जाम्स कब कैंसिल किए जाएंगे, वो तो परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन ये असेसमेंट का क्राइटेरिया एक बड़ा सवाल है। और ये भी है कि ये असेसमेंट क्या वक्त पर पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब बच्चों के सामने ये उनके भविष्य की बनाने की चुनौती होगी कि जब वो बाहर जाएंगे तो वहां का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, यहाँ का असेसमेंट रिजल्ट क्या कहता है और क्या वो वहां पर कम्पीट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, पेरेंट्स के लिए नहीं होगा, बल्कि यहां के जैक के लिए भी होगा, यहां की सरकार के लिए भी होगा। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे बड़ा रोल अगर हम कहें तो झारखंड के जैक के साथ साथ जो केंद्रीय मानव संसाधन विभाग है उसके लिए होगा, क्योंकि जब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो देश में कई ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो अपने कट ऑफ मार्क्स रखते हैं और एग्जाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मानव संसाधन विभाग है उसको ये मानदंड तय करना होगा कि कोरोना काल में जो बच्चे को एक एवरेज मार्क्स के तहत उसके एडमिशन लिया जाए, कट ऑफ मार्क्स लिया जाए और एवरेज तय कर दिया जाए, ताकि जो देश भर के जो छात्र है चाहे झारखंड के छात्र है वो अपना भविष्य तय कर सके। क्योंकि आप सबको ही जान रहा है कि पिछले एक साल से किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई में कितने बच्चे लोग कितने अपने आप को अपग्रेड कर पाए हैं, चाहे कंपटीशन में बैठने के लिए कितने अपग्रेड कर पाए हैं, ये सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर सबसे जरूरी अगर हम बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विभाग का होगा, क्योंकि चाहे उड़ीसा की बात करें, चाहे हायर एजुकेशन के बैंगलोर पुणे इन क्षेत्रों में बच्चे जाते हैं अच्छे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या अन्य क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करते हैं आईएएस आईपीएस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन क्षेत्र जो कट ऑफ मार्क्स है केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को तय कर देना चाहिए, ताकि ये एवरेज कर दे, ताकि बच्चे को एक साल एक एवरेज में पढ़ाई होगा, उसके बाद जब पेंडेमिक का धीरे धीरे जब असर कम होगा तो उससे हो सकता है कि उसके फर्दर एग्जाम लिया जा सकते हैं कॉलेज में कि आपकी टैलेंट कितनी है, आप कितने पढ़ाई कर चुके हैं, क्या आपको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करनी, ये सारी चीज करनी चाहिए। लेकिन जैक के लिए भी टेढ़ी खीर होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि असेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि किस आधार पर असेसमेंट करेंगे, क्योंकि 8, 9 और 10 के आधार पर ही ये असेसमेंट करने की बात कही जा रही है कि असेसमेंट करके उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मानव संसाधन विभाग पर कितना मैन पावर है, कैसे किस तरीके से इन 7.5 लाख बच्चों का भविष्य तय करेगी, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक साल हम लोग पेंडेमिक में बिताए, बच्चे निश्चित है कि बच्चे बहुत प्रेशर में रहे हैं, टेंशन में रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आगे चलकर जो भी स्टूडेंट है 10, 11, 12 की, वो अपने निश्चित है आने वाले भविष्य के लिए की चिंता होगी, उनके माता पिता के लिए भी चिंता है, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई होगा भविष्य कैसे संवारेंगे, एक साल से लोग पूरे परेशान है, 2020-2021 पूरा अब 2 साल करीब करीब होने को आया, तो कहीं ना कहीं कहें जो पेरेंट्स है चाहे स्टूडेंट है वो टेंशन में रहे हैं और अब तो एग्जाम कैंसिल कर दिया है, तो इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र में थोड़ी सी मायूसी जरी हुआ है, क्योंकि जैसे बताया कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी हाथ लगेगी। लेकिन तब है कि झारखंड का जो जैक बोर्ड है उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा असेसमेंट करने को लेकर कि किस कैसे आधार पर बच्चों को हम प्रमोट करें। जी आरती, चलिए तो ये अब असेसमेंट देखना होगा कि जैक किस बेसिस पर ये असेसमेंट करता है और कैसे बच्चे प्रमोट किए जाते हैं, और अब ये बच्चों को भी टेंशन होगी, अभिभावकों को भी होगी कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद अभी असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंजनी आपका, प्रभात आपका और दिलीप आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन परिणाम का क्या होगा, परिणाम कैसे जारी किए जाएंगे, उसका मापदंड क्या होगा, ये अब सवाल बच्चों और अभिभावकों के सामने। लेकिन इसका ये जल्द सरकार एक बैठक करेगी और इसके बाद ये भी तय कर लिया जाएगा कि किस ग्राउंड पर ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जैक ने भी ऐलान कर दिया है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अब चिंता ये बच्चों और अभिभावकों के सामने कि आखिर जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसका ग्राउंड क्या होगा, वो आधार क्या होगा, वो पैमाना क्या होगा, वो मापदंड क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सरकार इस पर एक मीटिंग करने वाली है और उसमें जैक के जो ये निर्णय आए हैं उसके बाद ये तमाम असेसमेंट के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस बेसिस पर परिणाम जारी किए जाएंगे।